स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन हो गए, मॉक टेस्ट पेपर हो गए, आरटीपी हो गए, इनका क्या रोल होता है एग्जामिनेशन के पहले? एग्जामिनेशन के पहले एंजाइटी बहुत होती है कि ये स्ट्रेस आता है, तो मैनेज कैसे करते हो तुम स्ट्रेस को? ऐसी कोई एडवाइस जसमीत जो तुम देना चाहते हो अपने जूनियर्स को, स्पेशली फॉर अकाउंट सब्जेक्ट? हेलो देयर फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए जुबैर खान दिस साइड। आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूं वन ऑफ माय स्टूडेंट जसमीत सिंह, ही इज फ्रॉम लुधियाना पंजाब, जिसे सीए फाउंडेशन में अकाउंट्स में स्कोर किया था 80, फिर सीए इंटर में पेपर वन अकाउंटिंग में स्कोर किया था 77 और सीए इंटर में एडवांस अकाउंटिंग में ही स्कोर 74। सो वेलकम जसमीत, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर रिमार्केबल अचीवमेंट। नाउ यू आर इन सीए फाइनल, हाउ डज इट फील कि अब मैं सीए फाइनल में आ गया हूं, उसके बारे में थोड़ा सा शेयर करो, और जब रिजल्ट आया तो कैसी फीलिंग्स थी? आपके पेरेंट्स को आपने बताया, किसको पहले बताया आपने, और उनकी कैसी फीलिंग्स थी? थैंक यू सो मच सर, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन के लिए। फाइनल का सर, तो फाइनल में आगे उसका तो अलग ही, जैसे कि अलग ही फीलिंग एक्सप्रेस नहीं हो सकती। तो जैसे कि अब टू इयर्स हो गए सीए स्टार्ट किए हुए, इट्स अराउंड जून 2021 में स्टार्ट किया था, तो इट्स जुलाई 2023। तो टू इयर्स में मतलब कि फाइनल में आ गए, जैसे अलग ही एक्सप्रेस नहीं हो सकती फाइनल खुशी। एंड जो रही रिजल्ट की बात, तो इस बार अभी तो मैंने सेकंड ग्रुप दिया था दिस टाइम, तो रिजल्ट में थोड़ा सा जैसे था ना, होता ही है कि एक सब्जेक्ट में लगता है कि ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो ऐसे ही कुछ था कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा क्या नहीं होगा, शायद ग्रुप वन से कम ना आ जाए मार्क्स, ऐसा लग रहा था कुछ कुछ। फिर एकदम से सुबह 5 बजे से साइट रिफ्रेश कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ, 10:35 पे रिजल्ट आया और चेक किया, तो मैंने एकदम से चीख मारी एकदम से कि ओ पास हो गया, मार्क्स वाज 266, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। तो लग रहा था कि यार क्या हो गया ये, फिर पापा को बताया, पापा को हग किया उससे ज्यादा, फिर बाकी सबको बताया, इट वाज अमेजिंग। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो जसमीत, मैं इसमें बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा रिलेटेड टू अकाउंट्स, क्योंकि अकाउंट्स में आपके बहुत अच्छे मार्क्स हमेशा रहे, फिर फाउंडेशन हो, ये इंटर में पेपर वन हो, पेपर फिफ्थ हो। सो ऐसी कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी अकाउंट्स में कभी आपने यूज जो भी करे हो कि अकाउंट्स को इस तरीके से पढ़े, या आपकी कोई स्ट्रैटेजी थी, क्या अप्रोच से आपने अकाउंट्स को पढ़े? सर एक्चुअली तो जब स्टूडेंट कॉमर्स में आता है तो अकाउंट्स एक होता है सब्जेक्ट जो एक अलग होता है, तो स्टार्टिंग से था अकाउंट्स तो ठीक ठाक लग रहा था, कि ऐसा था कि अकाउंट्स में कुछ तरह से रट्टा मतलब कुछ कंसेप्ट नहीं पता था क्या होता है, बट ऐसे एंट्री डालनी पड़ती है जर्नल की, इतना पता था बस कुछ। तो फिर फाउंडेशन में आए, तो फाउंडेशन में स्टार्ट करते करते एक दिन मुझे नोटिफिकेशन आया कि जुबैर खान सर स्टार्टिंग अ फ्री बैच ऑन अकाउंट्स, तो मैंने आपका अकाउंट्स का स्टार्ट किया। तो मुझे अभी भी याद है फर्स्ट लेक्चर, इट वाज लिट, इट वाज अमेजिंग, क्या मतलब सारे दिमाग के तार खोल दिए आपने अकाउंट्स के। थैंक तो यू थैंक यू। मतलब अकाउंट्स द वे यू टीच इज रियली ऑसम, कोई इतना अच्छा पढ़ा ही नहीं सकता। मैं अभी भी कोई भी पूछता है ना यार अकाउंट्स समझ नहीं आ रहा ऐसे कर, मैं बोलता हूँ बस जुबैर खान सर यूट्यूब पे सर्च करो मिल जाएगा आपको, बस वही है। तो उसके बाद फिर आपसे फाउंडेशन में पढ़ा, अकाउंट्स में सिंपल रखा मैंने स्ट्रेटजी, आपकी आपकी बुक, सिर्फ आप जो क्लास में क्वेश्चन करवाते थे होमवर्क में उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करो द सेम डे और द नेक्स्ट डे, उसके बाद खत्म। देन कुछ टाइम बाद जब फर्स्ट रिविजन की टाइम आते तब मैंने क्या करता था, क्वेश्चन को मार्क करता था, जैसे कि क्वेश्चन है कि मेरी स्ट्रेटजी ऐसी थी, क्वेश्चन है अगर पता है नेक्स्ट टाइम ये नहीं करना तो सीधा क्रॉस क्वेश्चन पे साइड पे क्रॉस, अगर नेक्स्ट टाइम करना है तो लिख दिया जैसे कि ईजी है मक्खन सा है ईजी ऐसे लिख दिया, अगर बहुत हार्ड है तो स्टार मार्क करके लिख दिया खतरनाक इससे बच के रहना, ऐसा कुछ लिख दिया सर, हर रिमार्क्स क्वेश्चन लिख कमेंट्स देते लिख थे। देते हाँ, इसका मतलब इसमें यस क्वेश्चन पे रिमार्क्स। हाँ, तो ये तुमको रिवीजन के वक्त भी हेल्प करता होगा, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप रेगुलर बैच यस तो सर कर लेते हो, तो आपने रेगुलर बैच कर, उसके बाद यस एक सर बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपका रिवीजन, तो रिवीजन के वक्त बहुत हेल्प करता होगा कि आपने भी क्वेश्चन में रिमार्क्स लिख के यस सर ऐसा कुछ यस सर ऐसा करते थे, क्योंकि न्यू एडजस्टमेंट आता था, जैसे क्वेश्चन जो कोई चैप्टर चलता है तो कोई नेक्स्ट पूछे थे एक यस सर सॉल्व के नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, तो 70-80% सेम क्वेश्चन रहता है जो प्रीवियस क्वेश्चन आपने सॉल्व करे, कुछ 20-30% एड ऑन होता था, कुछ एडजस्टमेंट होते थे, तो क्या उन एडजस्टमेंट यस को मार करके रखते थे कि हाँ ये न्यू चीज मैंने इस क्वेश्चन में पढ़ा? यस एक तो जनरली आप कहते थे क्लास टाइम में क्लास टाइम मार्क करो, तो स्टार्टिंग में आप थोड़ा जब क्लास स्टार्ट था तो स्टूडेंट रहता है थोड़ा इजी चिल डाउन माहौल में, तो सब कुछ ज्यादा कुछ नहीं, रिवीजन टाइम स्टार्ट किया था तब स्टार्ट किया कि नहीं अब तो करना है, तो जो कुछ क्वेश्चन में एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट उसको हाईलाइट कर दिया हाईलाइटर से,
और हाँ जो उसका प्रीवियस क्वेश्चन था उसको थोड़ा सा दे कि ये क्वेश्चन नहीं करना, जो एडजस्टमेंट वाला है वो करना है, हाँ तो उसको रिवीजन स्टार कर जल्दी दिया। होता है। कुछ क्वेश्चन में अभी मैंने लिखा हुआ है, यस सर, कुछ क्वेश्चन में अभी भी लिखा हुआ है कि स्टार मार्क बाय जुबैर खान सर, तो अपना इम्पोर्टेंट सही अलग है, सर का इम्पोर्टेंट अलग है, इसको ध्यान से रखना, इसको ध्यान से रखना। दूसरी चीज मटेरियल के बारे में कहूंगा, जैसे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल होता है हमारा, फिर मॉक टेस्ट पेपर होती है यस इंस्टीट्यूट सर, की, आरटीपी होती है रिवीजन टेस्ट पेपर, यस और सर, सजेस्टेड आंसर जो प्रीवियस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है। तो इसका क्या यस रोल, सर, जब भी आपके मटेरियल जो भी आपने पढ़े, तो या ये जो स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन हो गए, मॉक टेस्ट पेपर हो गए, आरटीपी हो गए, इनका क्या रोल होता है एग्जामिनेशन के पहले? सर आई थिंक कि अगर ओनली स्टडी मटेरियल करके जाएं तो वो भी सफिशिएंट नहीं होता, हाँ तो सफिश स्टडी मटेरियल आईसीआई का, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू, मुझे इन सब की हाँ कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं सीधा बता रहा हूँ, मुझे आपकी बुक, आपसे कोर्स लिया था, आपकी बुक में सब कवर था। इवन आई वॉज वेरी सरप्राइज कि वहाँ पे लिखा था 1992, तो मैं हैरान था हाँ कि इतने पुराने पुराने क्वेश्चन था क्या बुक में। तो उसके लिए तो मुझे टेंशन नहीं कि उसमें सारे आरटीपी एमटीपी ऑलरेडी कवर्ड थे। एंड सेकेंडली आई वुड प्रेफर कि मैं ऐसा, मैंने ग्रुप वन में भी किया था, ग्रुप टू में भी, कि एक मॉक टेस्ट जरूर अपीयर करना था एग्जाम के पहले, जो करंट हाँ था। मैं तो जनरली प्रेफर करता था कि आईसीए की ब्रांच में जाके मॉक टेस्ट अपीयर कर देता था, हाँ तो एक तो एग्जाम टाइप फीलिंग आती थी, वो चेक भी करके दे देते, थोड़ा पता चल जाता था क्या चल रहा है, कितने पानी में है। तो वो और सबसे इम्पोर्टेंट होता है, बल्कि कि आप इंस्टीट्यूट की जो मॉक टेस्ट पेपर होते हैं एग्जामिनेशन के पहले, वो देना चाहिए, उसको एक फील आ जाता है आपको, यस सर, और सही है। यस सर, और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है उससे। यस, तो मैं दो एक चीज और क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि क्या इम्पोर्टेंस लगता है अकाउंट में, आपको क्या लगता है? देखो अकाउंटिंग एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो उसमें एक थी कि आपने जब इतने अच्छे मार्क्स स्कोर करे, तो एक चीज है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो बहुत प्रैक्टिस करते, लेकिन उसके साथ में अकाउंटिंग कंसेप्ट, जो बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट होता है, क्या उसका रोल होता है? आई मीन टू से एग्जाम देने के लिए गए, सो 99.99% वही क्वेश्चन आते हैं जो आपने क्लास में करे हो, फिगर्स आगे पीछे हो यस सकते, सर, ऑल लेकिन अकाउंटिंग बेसिक कंसेप्ट का क्या रोल होता है एक अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए? सर आई थिंक कि बेसिक अकाउंट्स कुछ ऐसा है जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। अगर आपने उसे एक बार, हमने उसे डेप्थ में पढ़ लिया या समझ लिया ना, तो कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ आ रही है ना, तो बेसिक अकाउंट्स का कंसेप्ट लगा दो, कहीं ना कहीं से उसके लिंक जुड़ जाएंगे, कोई कोई ना कहीं से हाँ उसका आंसर, कुछ ना कुछ तो हिंट मिल ही जाएगी, इसका ऐसे कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली बेसिक अकाउंट्स जो आपने बेसिक सिखाया कि ऐसे ऐसे फ्रेम होती हैं, ऐसे ऐसे लॉजिक लगता है, अकाउंट बना बना के देखो हर चीज़ का, आप हर लेक्चर में कहते हैं अकाउंट बना बना के देखो, तो वो जो हैबिट डेवलप होगी ना, अगर आई थिंक ग्रुप वन में अकाउंट्स में नवंबर में कुछ क्वेश्चन आया था, दैट वाज नॉट इन सम क्वेश्चंस, तो कुछ कुछ हाँ डिफरेंस आई था, तो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी था कि कंसेप्ट लगाया अकाउंट्स का बेसिक, हाँ कि इसका ये इफेक्ट यहाँ पे होगा, इसका वहाँ पे इफेक्ट होगा, ऐसे 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 ऐसे, इसका ऐसे ऐसे आएगा। तो आई थिंक ये ऐसा कुछ नहीं है कि अकाउंट्स के बेसिक कंसेप्ट है, फाउंडेशन में काम आएंगे, इवन एग्जैक्टली इंटर ग्रुप वन, ग्रुप टू, आई थिंक फाइनल में भी शायद यूज होंगे ही कोर्स। हाँ एग्जैक्टली देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब आप बेसिक अकाउंटिंग करो, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपने जो क्वेश्चन करके गए वही एग्जाम में है, लेकिन कभी एडजस्टमेंट कोई आगे पीछे हो भी गया, तो बेसिक अकाउंटिंग एक ऐसी चीज यस है, अगर सर, आपकी वो स्ट्रांग है तो आप उसको कर लोगे। गुड। और जब आप वीडियोस देखते थे, यस सर, तो आप रेगुलरली ही, मैं तो हमेशा ये प्रेफर करता हूँ कि मैं आपकी स्ट्रेटेजी पूछ रहा हूँ, कि जो लेक्चर्स रहते थे उसको रेगुलरली देखना चाहिए, मतलब रोज आप एक एक लेक्चर देख रहे हो, जो प्रोसेस होती है उसकी, ये जो लाइव बैच हो रही, तो लाइव यस बैच सर, रोज आप अटेंड करें, कि रेदर देन आप हफ्ते में एक दिन बैठ गए और उस दिन आपने 3 लेक्चर देख लिए, तो वॉट इज मोर इम्पोर्टेंट, टू वॉच रेगुलरली कंसिस्टेंटली, कि आप एक 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 लेक्चर देखो, कि एक दिन बैठ के आपने सोचो चलो आज 3 लेक्चर अकाउंट से कर लेता हूँ। सर जो लेक्चर्स की बात है, तो लेक्चर तो आई थिंक डेली 1 लेक्चर या 2 लेक्चर जो जो आपने पेस पकड़ी है उस अकॉर्डिंग देखने चाहिए। आप लास्ट वीक, लास्ट डे को वीक के आप 7-7 लेक्चर देख लो, आई डोंट थिंक कुछ होता रहता है, कि माइंड पे प्रेशर रहता है कि इतने लेक्चर देखने हैं। एंड मोस्ट प्रॉब्ली ये होता है, हमने जो डे रखा है कि इस दिन 4 लेक्चर देखेंगे अकाउंट्स के, उसी दिन कोई काम पड़ जाएगा वो भी सभी जाएंगे, पूरे हफ्ते का लेक्चर जाएंगे। तो आई थिंक प्रेफरेबल तो यही है कि डेली लेक्चर करो, बट बाय किस तरीके, तो उसका तो वही हल है कि उठाओ लास्ट में 4-4 लेक्चर देखो, उसका तो वैसे ही खत्म होंगे, बट स्टार्टिंग में तो ये है कि डेली 1 लेक्चर 2 लेक्चर जो पेस चल रही है। ओके एक और चीज, कोई एडवाइस देना चाहूंगी, क्योंकि ये बहुत रहता है कि एग्जामिनेशन के पहले एंजाइटी बहुत होती है, कि ये स्ट्रेस आता है, तो मैनेज कैसे करते थे तुम स्ट्रेस को, करते थे उसको? सर फॉर स्ट्रेस, आई थिंक स्ट्रेस के लिए तो जो मोटिवेशनल सॉन्ग होते हैं उनको सुनना, गाना लाइक लक्ष्य, आशाएं, कर हर मैदान फतेह,
ऐसे सॉन्ग्स जो अच्छी वाइब देते हैं पूरी, वैसे सॉन्ग सुना। एंड फर्दर की एंड स्ट्रेस के लिए पापा के साथ अच्छा बॉन्ड है, तो आई यूज टू शेयर विद माई डैड, तो उनके साथ बात करने से बहुत लाइटर फील होता है कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो रही है। एंड एक फ्रेंड है मेरा, उससे बात करता हूँ तो स्ट्रेस तो सॉल्व हो जाता है। एंड रही बात एग्जाम एंग्जाइटी की, तो आई थिंक 50% तो मॉक टेस्ट देने से खत्म हो जाती हाँ सही है। देखो है। एग्जाम इम्पोर्टेंट एंग्जाइटी अगर मॉक टेस्ट दो तो काफी हद तक खत्म हो जाती है। एग्जैक्टली देखो कितना इम्पोर्टेंट है कि आप मॉक टेस्ट पेपर तो देते हो उससे कि एग्जाम की एंजाइटी कम होती है। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, मैं हमेशा अपने लेक्चर्स में कहता हूँ कि बहुत अच्छा बॉन्ड हमारा होना चाहिए कि पेरेंट्स के साथ और या सिब्लिंग्स के साथ अपने, कि यस ये सर, मतलब कोई कभी परेशानी आए कि कुछ स्ट्रेस लगे तो आप उनसे अच्छे से फ्रीली बात करो। गुड, नाउ व्हाट्स योर प्लान फॉर आर्टिकलशिप? नाउ यस सर। आर्टिकलशिप के लिए क्या सर प्लान है? आर्टिकलशिप के लिए करंटली मैं अप्लाई कर रहा हूँ। करंटली चंडीगढ़ में अप्लाई कर रहा हूँ, तो टॉप फॉर्म से अप्लाई कर रहा हूँ। वहाँ वैकेंसी अभी नहीं है, तो अभी देख रहा हूँ अगर वैकेंसी हुई तो वहाँ पे जाऊँगा, अदरवाइज लुधियाना में बिट साइज फॉर्म में आई विल गो विद आर्टिकलशिप। तो लुधियाना से चंडीगढ़ कितने दूर है? देखा ये देखा नहीं सर मैंने, नहीं ये मैंने मैंने देखा कभी। ठीक है, तुम नहीं लुधियाना में है। रहते हो, काफी थोड़ा दूर, थोड़ा वो दूर है। बहुत दूर है। यस सर। ऐसी कोई एडवाइस जसमीत जो तुम देना चाहते हो अपने जूनियर्स को, स्पेशली फॉर अकाउंट सब्जेक्ट में कह रहा हूँ, फॉर फाउंडेशन के बच्चे हो फिर वो इंटर का हो। सर एक तो सर आप गुस्सा करो, बट आई विल से कि ब्लाइंडली फॉलो जुबैर खान सर, कुछ नहीं है। बस सर आप जो क्लास में बता दिया, जो आपके नोट्स हैं आई थिंक मोर देन सफिशियंट। अभी अभी हमारा ओरिएंटेशन कोर्स का बैच था, उसमें भी कितने स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि अकाउंट्स के लिए क्या करना है। मैंने कहा ब्लाइंडली जिस टीचर फॉलो करो, कुछ करने की नहीं है। नोट्स में सब क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, क्लास में सब कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। कई टीचर होते हैं क्लास में कुछ क्वेश्चन करा देते हैं और आरटीपी एमटीपी भी दे देते हैं, ये कर लेना। हमारे वो भी क्लास में हो जाते हैं। इवन इवन आज तक नवंबर 22 मई 23 एग्जाम में सिंगल क्वेश्चन नहीं आया जो एग्जाम आपकी बुक से बाहर हो। इवन इन दिसंबर 21 फाउंडेशन हाँ एग्जाम में सिंगल क्वेश्चन नहीं आया जो आपकी बुक से बाहर हो। मैंने कहा सर की बुक करो और प्लस एक्स्ट्रा एक जो करंट आरटीपी एमटीपी वो करो, दैट्स इट। कोई नीड नहीं है इधर उधर 36 टीचर 40 किताबें पढ़ने की, कोई नीड नहीं है। बस एक को फॉलो करो जो ब्लाइंडली, जो दैट्स भी, इट। हाँ जो भी मटल है, आई एम नॉट सेइंग ये मेरा, मगर आप जो भी मटल स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं सही के मटल ऐसा कि हम सारी चीजें उसके अलावा कोई पढ़ने की जरूरत हम लोग को ना रहे। ओके, मतलब तो यस सर। फाउंडेशन आप जो मेरे को ख्याल है तुम्हारा वो दिसंबर 21 में क्लियर, तो फिर एक एक ग्रुप करके आपने क्लियर करे, फिर फाउंडेशन में स्कोर 80, देन अकाउंट में से ग्रुप 1 में 77, अब तो वो एक पेपर हो गया इन लोगों का, एंड ग्रुप 2 में यस एडवांस सर। अकाउंटिंग जो 74 स्कोर किए थे। ग्रेट, सो थैंक यू सो मच जसमीत फॉर कमिंग और अपना थैंक यू सो मच एक्सपीरियंस सर टू यू। शेयर करने के लिए। और नाउ आई वॉन्ट टू से टू स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहे, सो यू फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रिमेंबर वन थिंग, सो सक्सेस इज विद इन योर रीच, यू जस्ट हैव टू बी डेडिकेटेड एंड यू डू योर हार्ड वर्क, बिलीव मी यू विल अचीव योर गोल। और इफ यू लाइक दिस वीडियो और आपको वीडियो पसंद आया तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप अपने इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उन लोगों जैसे आप देख रहे हो उस तरीके से ये इंफॉर्मेशन या यूजफुल वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक जा सके। और आपका जो भी ओपिनियन सजेशन जो होगा आपका, या कोई आप बात कहना चाहते हो, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर उसको लिखे। सेकेंड, वंस अगेन आई वॉन्ट टू से थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, स्टे मोटिवेटेड, स्टे फोकस्ड, एंड रिमेंबर वन थिंग, यू हैव द पोटेंशियल टू अचीव ग्रेट थिंग्स इन योर लाइफ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग एंड चेज योर ड्रीम्स, टेक केयर, बाय बाय ऑल ऑफ यू।